अभी नया खुला है, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। गांव के हिसाब से कैंटीन बनाई गई है। थोड़ा गाना तो है नहीं, ये देखो यार, जिनेरा में स्विमिंग पूल खुल चुका है। 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब यहीं पर हम स्विम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम यहां पर आए हुए हैं। आज यहां पर एक नया स्विमिंग पूल खुला हुआ है, जो मुझे पता चला ये जिनेरा वाले रोड पर खुला हुआ है। तो चलो पहले अंदर हम चलते हैं और देखते हैं इस स्विमिंग पूल में क्या क्या चीज़ हमें देखने को और करने को मिलेंगी। तो मैं प्रेजेंट द रॉयल पूल, जो यहाँ पर अभी नया खुला है, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। और अब सामने आप देख सकते हो प्रेजेंट द रॉयल पूल, जो स्विमिंग पूल खुल चुका है उसका नाम है ये, और इसके जो मालिक हैं वो राणा पंकज साहू नाम है इनका। तो चलो फिर हम अंदर चलते हैं, बाकी किसी चीज़ें अंदर डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अंदर आ चुका हूँ और अंदर आने के बाद मुझे ये खूबसूरत सा नया स्विमिंग पूल दिख रहा है, जो इसमें अभी नया जो फ्रेश पानी भरा जा रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर आप बहुत सारे लोग आने भी लग गए हैं। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? और इस वक्त मैं हूँ स्विमिंग पूल के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर जिनेरा में अभी एक नया स्विमिंग पूल खुला हुआ है, और इसकी लोकेशन मैं बता दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इसका प्राइस जो भी है, और कितने लोग यहाँ पर आते हैं स्विमिंग करने, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, साथ में कैंटीन भी है। और जो जो यहाँ पर है, जो इनके मालिक हैं, इनका नाम पंकज साहू है, जिन्होंने जो उनका खुद का एक जिम भी है, जिम भी करते हैं साथ साथ, और उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है ताकि यहाँ पर गांव में लोग इंजॉयमेंट कर सकें। तो ये जगह बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। इस टाइम मैं खुद पानी के अंदर हूँ, और स्विमिंग पूल यार जिनेरा में स्विमिंग पूल खुल चुका है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब किसी को अगर तैरने का मन हो तो नदी पर जाने का, रिस्क लेने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता, आप स्विमिंग पूल में आ सकते हो। 50 से 70 रुपये का चार्ज होता है इसका, छोटे जो होंगे उसका 50 और बड़े का 70 रुपये। तो एक बार आओ और आके यहाँ पे स्विमिंग करने का जो मज़ा लेना चाहते हो ना स्विमिंग पूल का, वो ले सकते हो। चलो मैं सारी चीज़ आपको दिखाता भी एक बार। आप देख सकते हो इसमें पानी जो है वो फ्रेश पानी भरा जा रहा है। नीचे टाइल्स कितनी खूबसूरत तरीके से लगी हुई हैं, और सबसे अच्छी बात है जिनेरा में एक नया स्विमिंग पूल खुल चुका है, तो लोगों के लिए यहाँ पर एक मज़े वाली चीज़ बन चुकी है। आप यहाँ पर आओ और आकर यहाँ पर स्विमिंग करने का पूरा मज़ा ले सकते हो। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है अंदर से स्विमिंग पूल। तो भाई आप देख सकते हो सामने, लोग स्विमिंग पूल खुलने से कितना ज़्यादा खुश हैं यार, बड़े तो बड़े, छोटे सारे के सारे लोग यहाँ पर इस वक्त हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं जिनेरा रोड पर, जो एक नया स्विमिंग पूल खुला हुआ है, यहाँ पर आया हूँ। अभी तक ये मैंने गांव में नहीं देखा था पहले, क्योंकि ज़्यादातर गांव में नदी होती है, अपने नहर होती है, तो लोग वहाँ से नहा लेते हैं, थोड़ा रिस्क भी होता है। मगर यहाँ पर एक फ़ायदा हो गया लोगों का कि यहाँ पर जिनेरा अचलपुर रोड पर अब यहाँ पर एक वो खोल दिया गया है, यहाँ पर स्विमिंग पूल। आप यहाँ पर आके स्विमिंग पूल का पूरा मज़ा ले सकते हो। तैरना चाहते हो, नहीं भी आता तैरना, तो तैरना सीख भी सकते हो। तो चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अंदर चल के स्विमिंग पूल में, स्विमिंग करना जो चाहते हैं या जो आते हैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। तो चलो पहले अंदर चलते हैं, पहले दिखाते हैं आपको। तो यार अब मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, आप ना अगर यहाँ पे स्विमिंग करते हो तो साथ साथ आपका खाने का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर मिल जाएगा आपको खाने का। चलो पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ खाने में क्या क्या मिल जाएगा। तो नॉर्मल जो होता है स्विमिंग पूल, आपने देखा होगा वहाँ पर कुछ डिशेस होती हैं जो लोगों के लिए खाने के लिए रखी जाती है, तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो भाई आप ये देख सकते हो सामने, गांव के हिसाब से कैंटीन बनाई हुई है। यार तुम्हें पता ही कोई शहर तो नहीं है, गांव है, तो गांव के हिसाब से मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर ये कैंटीन बनाई हुई है। आपको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगी पीने के लिए, आपको बर्गर, चिली पोटैटो और चाउमीन वगैरह जो भी होगा वो खाने का यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो। अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह चाहते हो तो उसके लिए भाई ऑर्डर करके बाहर से आ जाता है। खाने का जो है मतलब नॉर्मल ब्रेकफास्ट आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पर चूल्हे का इंजाम है जो यहाँ पर बनाया जाता है, और उसके बाद ये वाला तो आप देख ही सकते हो यार माहौल क्या है।
अभी इसमें जो चीज़ कमी है जो यहाँ पर नहीं है, जैसे स्लाइडर नहीं है यहाँ पर, स्लाइडिंग आएगा और भी बहुत सी जो चीज़ है ट्यूब वगैरह है वो लाया जाएगा। और स्विमिंग पूल यार बहुत अच्छा खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पर। तो अब मैं आपकी बात जो कराना चाहता हूँ, यहाँ पर एक भाई हैं जो यहाँ स्विमिंग करने आए थे, इनका नाम बताएंगे अपना, और दूसरी बात ये बताएंगे इनको यहाँ पर एक स्विमिंग पूल खुलने से क्या फ़ायदा है, क्या कैसा लगेगा इनको। तो भाई अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख है। अच्छा, भाई का नाम शाहरुख है। तो भाई आप ये बताओगे, आपके अब तो इलाके में जेनारा रोड पर ये खुल गया स्विमिंग पूल, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम कासगंज जाया करते थे, अब अच्छा ये है कि अब थोड़ा हमारे घर के पास ही खुल गया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि हम रोज स्विम करें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं जिन्हें दूर जाना पड़ता था, मतलब नहाने का मन वैसे ही करता है, गर्मी आ रही है तो लोग ज़्यादा चाहते हैं कि नदी मिले या फिर नहर मिले, तो वहाँ पर थोड़ा खतरा भी होता है। मगर ये स्विमिंग पूल बनने से इसमें यहाँ पर ये फ़ायदा हो गया कि लोगों को खतरे से बच सकता है वो, और यहाँ पर आके स्विमिंग कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल बच सकता है, पर यहाँ पर मज़ा भी आता है, खूब मज़ा आता है। और फिर यहाँ 10 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब यहीं पर हम स्विम करते हैं। और फिर टिकट भी यहाँ पर सस्ती है, 50 और 70 रुपये है, बहुत कम टिकट है और मज़ा खूब है यहाँ पर। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये हमारे भाई थे यहाँ पे स्विमिंग करने आए थे और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि यार सही बात है, गांव देहात में दूर दूर नदियाँ होती हैं और वहाँ पर यार खतरा भी होता है, डूबने का भी खतरा होता है, और उसके बाद घर से दूर जाओ। अभी कम से कम पास खुल गया, तो यहाँ पर एक लोगों का फ़ायदा ये है कि जो आस पास के यहाँ पर हैं उनके लिए भी पास, और यार जाहिर सी बात है स्विमिंग पूल में तैरने का मज़ा सब कोई लेना चाहता है। तो ये जेनारा रोड पर स्विमिंग पूल खुल चुका है, आप लोग यहाँ पर आके पूरा आनंद ले सकते हो। और साथ ही यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप तैरने के साथ साथ आप ना खाने पीने का भी यहाँ इंतजाम है, यहाँ पे कैंटीन है, आप कुछ खाना चाहते हो तो कैंटीन से भी खरीद सकते हो। चलो मैं आप लोग बहुत सारे यहाँ पर अब धीरे धीरे आने लगे हैं, जिन जिनको यह पता लग रही है, बहुत अच्छी बात है ये नया स्विमिंग पूल खुला है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर टिकट टाइमिंग की, लोकेशन की। पहले ये जेनारा रोड पर पड़ता है, अच्छा पूल जेनारा रोड पड़ता है, मिराची से आप उतरोगे और मिराची से जब आओगे ना आप आगे जेनारा वाले रोड पर अंदर को, तब ये आपको बीच में मिल जाएगा। और इसकी टिकट टाइमिंग मैं बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पर आप लेना चाहते हो, यहाँ पर स्विमिंग करना चाहते हो, तो बड़े लोगों का 70 रुपये और उससे छोटे हैं जो बच्चे हैं उनका 50 रुपये है। और सुबह ये 8 बजे खुल जाता है और शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है, तो आप यहाँ पर स्विमिंग करने का भाई पूरा मज़ा ले सकते हो। और भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी नया खुला है, इसमें पानी डेली यहाँ पर पानी चेंज होता भी, ऐसा नहीं कि वही पानी चल रहा है। अब आप सामने देख सकते हो यहाँ पर अभी पानी चेंज हो रहा है, कल पानी कुछ और था, आज पानी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भाई हाइजीनिंग का भी, जो हाइजीन होता है उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो चलते हैं फिर, हम इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे नई नई चीज़ें। और ये तो अपने गांव में खुल गई है यार, बहुत खुशी की बात है। इस जो यहाँ के जो ऑनर हैं उनका नाम पंकज साहू नाम है, साथ ही वो जिम भी करते हैं, उनका जिम भी है और अच्छे इंसान है। चलो गाँव में अगर इस तरह की कोई चीज़ खुल जाती है तो लोग बड़े एक्साइटमेंट आ जाती है उनके अंदर कि हम नई चीज़ देखेंगे या नया स्विमिंग पूल है तो हम उसमें तैरेंगे, उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ होने लग गई है और ये सामने आप देख रहे हो BS लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टिकट काउंटर बनाएंगे। अब सामने देख सकते हो आप, ये पूरा गाँव है, चारों तरफ आप देख सकते हो इसके ये गाँव हैं, सड़कें बनी हुई हैं, चारों तरफ खेत हैं, और वहाँ पर एक स्विमिंग पूल बन चुका है जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़े वाली चीज़ बन चुकी है। धीरे धीरे इसमें जो भी चीज़ की अभी कमी है वो सारी चीज़ लाई जा रही है और बहुत जल्दी आ जाएंगी। बाकी आप देख सकते हो प्रेजेंट द रॉयल पूल, इस पूल का नाम है स्विमिंग पूल, ये मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। पंकज साहू जो इनका जिम भी है और साथ में इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। बाकी आप देख सकते हो TVS एजेंसी के पास, अचलपुर रोड, मिराची, जिनहरा। चलो फिर यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। Thank you very much.